जय जय माता दी मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस दुनिया में, इस सृष्टि के अंदर हर व्यक्ति के मन में प्यार भावना उत्पन्न होता है और वह भी चाहता है कि जिससे उसका प्यार है वह हमेशा उसके पास रहे और हो सके तो जीवन भर उसी के साथ निभाए, जीवन साथी बने। तो क्या ऐसा करना संभव है? बिल्कुल है, लेकिन बस गलती कहाँ पे है कि आप सही चीज को जान नहीं पाते हैं जिससे कि सब चीजें आपके उल्टा हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप सब चीजों को सही तरीके से पालन करेंगे तो जिस व्यक्ति को भी आप अपना बनाना चाहेंगे वह पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। यह एक ऐसा प्रयोग है, एक ऐसा तरीका है, इसमें आपको कुछ गुण के साथ साथ मंत्र की शक्ति का भी प्रयोग करने, जो कि पूर्ण रूप से अगर कहा जाए इसे तो 100% रूप से उसे आपका बना देगा। और इस जो क्रिया है इसमें वह शक्ति है कि उस स्त्री या पुरुष को आपका पूरा बना दे, वह है इसका गुण, इसका कारण। क्योंकि इसमें प्रयोग में आप इन चीजों का पालन करके खुद ब खुद स्वतः ही उसके दिलो दिमाग में अपना प्रभाव जमा देंगे, वह भी सच्चा वाला, जिसे जीवन भर तक कोई नहीं मिटा सकता। होता क्या है, इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज समझना होगा। छोटी सी चीज को समझने के बाद ही आप इस रहस्य को जान पाएंगे कि यह सृष्टि में जो प्यार है, जो एक दूसरे को पाने का जो तरीका है, वह कैसे कार्य करता है। आपने हमेशा भगवान श्री राम के परम और अनन्य भक्त हनुमान जी के बारे में सुना ही होगा, हर कोई जानते हैं। सिर्फ हनुमान जी को जानना नहीं, उसके गुण को थोड़ा सा आपको देखना है, समझना है। भगवान हनुमान जो है बहुत संकल्पवान होते थे, अर्थात उसमें संकल्प शक्ति जो है परम सिद्ध था। वह हमेशा हमेशा समर्पण की भावना लिए रखता था, कभी भी मैं या फिर अहंकार को सामने नहीं लाता था, हमेशा समर्पण। समर्पण अर्थात होता है सेवक की भाव, सेवा की भावना। जब आपके अंदर, अगर आप रिश्ते में हैं, प्रेम में हैं, तो कभी भी आप यह ना सोचे कि मैं किसी के लिए इतना कर रहा हूं, मैं मेरे पार्टनर के लिए इतना कर रहा हूं। सिर्फ भाव यह रखें कि मुझे प्यार देना है, समर्पण रखे उसके प्रति। समर्पण का अर्थ यह है कि उसके लिए कभी भी अपने मन में यह ना लाए कि मैं यह कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ही क्यों करूं। जहां मैं आया वहां रिश्ता गायब, और जहां मैं हटा वहीं से आपका प्यार जो है चरम अवस्था में रहेगा। यह एक ऐसा गुण है, समर्पण, प्रेम और विश्वास एक ऐसा गुण है जो न चाहते हुए भी आपको उस व्यक्ति के साथ बांध देगा, और उस व्यक्ति को जो आपका साथी है उस व्यक्ति को आपके लिए दीवाना बना ही देगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं महामंत्र दूंगा, जो मंत्र की शक्ति है वह पूर्ण रूप से फिर आपको ऐसे एक अवस्था में पहुंचा देगा जहां से उसका और आपका रिश्ता टूटना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसे सोच समझ कर करें, यह पूर्ण रूप से आपको उस अवस्था तक पहुंचा देगा जो आप चाहते हैं। अब दूसरी बात, हमेशा मन में यह संकल्पित रखें। मन हमेशा हर पल हर क्षण बदलते रहता है, लेकिन इसे बदलना नहीं है, आपको पूर्ण रूप से एक भाव को स्थिर रखना है अपने साथी के प्रति कि सिर्फ प्यार है तो प्यार ही है। कभी भी बदले का भावना, नीचा दिखाने का भावना, या फिर कभी भी ईगो वाली भावना, अहंकार वाली भावना को नहीं लाना है। एक ही भावना में अटल और स्थिर हो जाना है, जैसे हनुमान जी रहते थे अटल स्थिर प्रभु श्री राम के लिए, हर कार्य को करने के लिए उसके लिए समर्पित। सिर्फ भाव रखना है मित्रों, चीजें तो आपके साथ ऑटोमेटिक घटित हो जाएगा, ऑटोमेटिक, इतना कि वह व्यक्ति स्त्री पुरुष आपका दीवाना हो जाएगा। अब रही बात, ये गुण हो गया, अब इसके साथ साथ संपूर्ण रूप से कि वह आपके दीवानी हो और फिर जीवन साथी हो, तो उसके साथ इस मंत्र की क्रिया को भी करें। मंत्र जो है बहुत ही ज्यादा आकर्षक मंत्र है, यह उत्तेजित कर देता है। उत्तेजित अर्थात इस तरह से कि जिसके ऊपर भी प्रयोग करेंगे उसके दिलो दिमाग को, भावनाओं को आपके प्रति इतना बेचैन कर देगा कि वह आपकी याद में फिर तड़पना शुरू हो जाता है, और इसी उत्तेजना के फलस्वरूप वह आपसे मिलने का प्रयास भी करेगा या करेगी। मंत्र को एक माला तुलसी की माला से करें, सुबह शाम और कम से कम 11 दिनों तक करें। शुक्रवार से प्रारंभ करके कंटिन्यू, किसी भी तरह से बीच में इसका खलल ना करे, अर्थात इसे रोके नहीं। मंत्र को ध्यान से सुने मित्रों।
ओम नमो काम रूपाय काम देवाय ज्वल प्रज्वल सम्मोहनाय हुम फट। जहां इस मंत्र का जाप करें तो ध्यान सिर्फ अपने प्रेमी या प्रेमिका की ओर रखें। दूसरी चीज, हमेशा कभी भी कोई भी मंत्र क्रिया करें, सात्विक क्रिया, सिर्फ सात्विक क्रिया जो पॉजिटिव एनर्जी वाला हो, वहां पर एक गिलास पानी जरूर रखा करिए और उस पानी को अंत में पी जाया करिए। और अगर कहीं समझ में नहीं आए, दुविधा हो, तो नंबर हमेशा रहता है जय जय माता दी मित्रों।